तो चलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले ट्रिक के बारे में। अब इस पहले ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर रेंगल के अंदर इस टाइप के ट्री को फाइंड करना है, यानी जो जो घने वाले पेड़ होते हैं, छोटे से पेड़ होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा घना होता है, तो आपको ये ढूंढना है। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग रे लेके आना है। अब स्ट्रिंग रे को इस तरह से क्रिएट कर दो और देन आपको इस पर ड्राइव करना है और पेड़ के टॉप पे चले जाना है। अब पेड़ के टॉप पे आने के बाद आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आओ और सीट चेंज कर दो। अब आप देख सकते हो इजीली आपका जो स्ट्रिंग रे पेड़ के अंदर छुप जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। अब गाइस, आप इस ट्री का इस्तेमाल आप एंड जोन में कर सकते हो। अगर इस ट्री के आसपास अगर एंड जोन बन जाता है तो वहाँ पर आप इस तरीके से इस्तेमाल करना, आपको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा और यहाँ से आप रहते रहते काफ़ी ज़्यादा एनिमी को मार सकते हो और एनिमीज बिल्कुल सरप्राइज होने वाले हैं कि आपने उन्हें कैसे मार दिया। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है। आप यहाँ से थ्रोवेल्स वगैरह भी फेंक सकते हो और इसको आप एक तरह से रैंक पुशिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। तो रैंक पुशिंग के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है एंड जोन में कितने सारे बंदे अलाइव होते हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से छुप सकते हो। तो भाई, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ट्रिक के बारे में। अब गाइस, इस ट्रिक के अंदर आपको इस लोकेशन पे आ जाना है जो ओशन पैलेस होता है, यहाँ पे आना है। अब गाइस, इस ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाहर रहते रहते आप ओशन पैलेस के अंदर वाले एनिमीज को मार सकते हो। तो हाँ गाइस, आपको कुछ इस लोकेशन पे आ जाना है और आपको अपने जॉयस्टिक को धीरे धीरे आगे करना है, जिससे कि आप पानी में डूबो ना, बस पानी के अंदर चले जाओगे और इस तरीके से आप पानी के अंदर खड़े हो सकते हो और गन यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पर आना है, इस तरीके से पीक करके स्कोपिंग करना है। और आपको यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा स्कोप है 8x या फिर 6x है, तो यहाँ पर अच्छे खास एनमी को स्पॉट कर सकते हो, एनमी को मार सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो सामने एक एनमी है, तो इस तरीके से आप बाहर रहते रहते अंदर वाले एनमी को मार सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप इसका यूज़ करना। अगर आपको पानी के अंदर नहीं जाना या फिर पानी के अंदर जोन बन चुका है, तो आप इस तरीके से बाहर रहते रहते भी अंदर वाले एनमीज़ को मार सकते हो। तो भाई, कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर रहते रहते पूरा अच्छा खासा एंगल ले सकते हो और अच्छे खासे किल्स कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। गाइस, अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक नंबर थर्ड की। अब गाइस, इसके अंदर आपको बताऊंगा कि जब भी आप इस स्टिंगरे से किसी भी एनिमी के ऊपर बबल मारते हो, तो आप में से ज़्यादा बंदे हैं ना, वो एनिमी के ऊपर एम करते हैं, सोचते हैं कि एनिमी के ऊपर एम करूंगा तभी वो बबल उसको लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एनिमी के आसपास 10 मीटर के आसपास भी अगर उसको थ्रो करते हो, यानी किस तरीके से मारते हो, तो आराम से एनिमी को पकड़ लेता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप एनिमी के बिल्कुल मुंह पर ही मारो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको यहाँ पर कहीं पर भी मार देना, जैसे एनिमी के आसपास मार दो, वो इजीली एनिमी को पकड़ लेगा। तो काफ़ी छोटा सा टिप है बट काफ़ी काम का है, आपके काम आ सकता है। तो अब हम बात करें अपने अगले ट्रिक के बारे में, चौथी ट्रिक की। अब गाइस, इस स्ट्रिंग रे का जब भी फ्यूल खत्म हो जाता है, तो आप में से बहुत बंदे सोचते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पे जाएंगे और इसको रिफिल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अब आपको बस क्या करना है, इस स्ट्रिंग रे को कहीं पर भी अकेला छोड़ देना है, यानी कहीं पर भी जाना है और रोड के साइड कहीं पर भी रोक दो ऐसे आप। अब आप नोटिस करोगे कि इसका जो फ्यूल होता है ना, वो अपने आप भरेगा। बट हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसका जो फ्यूल होता है वो बिल्कुल पूरा ख़त्म नहीं करना है। अगर पूरा ख़त्म कर दोगे तो ये रिफ़िल नहीं होता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर फ्यूल रहने देना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका फ्यूल रिफ़िल कर सकते हो। अगर आपके पास और स्टिंगरे नहीं है, तो आप इस तरीके से इसका रिफ़िल करो और आराम से यूज़ करो। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक ये भी है। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 की, कि आप किस तरीके से एक ही स्टिंगरे पे 4 बंदे ट्रैवल कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का लोकेशन आपको ढूंढ लेना है, जो कि इतना हाइट होना चाहिए। अब इसके पास जाके इस तरीके से स्टिंगरे क्रिएट कर लो, देन इसके ऊपर ड्राइव कर लो। अब अपने दूसरे टीममेट से बोलो कि आके पीछे वो गेट इन कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो टीममेट है वो आएगा और इस तरीके से गेट इन कर लेगा। अब आपका जो तीसरा और चौथा टीममेट होगा ना, उसको ऊपर से जंप करना है, जहाँ पर मैंने लोकेशन बताया था उसके ऊपर चढ़े और इस तरीके से जंप करके इसके ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हो, हम चारों के चारों टीममेट इस स्टिंगरे के ऊपर आ चुके हैं और मैं कुछ इस तरीके से आसानी से इसको ट्रैवल भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, ये आराम से चलता है और उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से 2 बंदे को लेके बैठ चलता है ये। और इसके साथ ही साथ ही यहाँ पर 3 बंदे ऊपर से फायर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप इसका यूज़ जरूर करना। तो गाइज, यही था आज के वीडियो में। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहले बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे मिलता हूँ किसी और नए टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।